जानवरों को, पशु को, पशु मतलब सब, हर सब सबको आजाद है, ऐसा किसी को डर नहीं है इधर आने कोई के डर नहीं। देखो, ये देखो कमल के ऊपर है। आहा भाई क्या खुशबू है ये वाला। हाँ, ये सुनो जो हम बता रहे थे। एक पत्तीस की तोड़ी है ये भाई, क्या चीज है। गुरुजी जो बताएंगे वो सही बता रहे भाई, क्या चीज है। अंकल कहाँ जा रहे हैं? पांडव गंगा। अच्छा क्या है उधर? पांडव रहे थे वहाँ पे, गंगा है, कमल खिला हुआ है। ओके ओके, तलैया है, क्या तरह तरह के पौधे हैं, तरह तरह के पौधे हैं, बहुत कुछ है। तो अपन उधर जा रहे हैं अभी। सामने पड़ेगा इधर पांडव गंगा है, वहाँ बिहारी जी है, सब आपको यहाँ दर्शन मिलेंगे। तो इतनी मजा आ रही है ना गांव में घूमने को। अंकल मुझे पहचानते भी नहीं, बट अंकल बोले चलो मैं आपको घुमा के लाता हूँ गांव। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपको, बहुत अच्छे लोग यार, इतना प्यार। मतलब मेरे को सीरियसली उत्तर प्रदेश में इतना प्यार रहेगा। यहाँ पता नहीं, ये वन है, ये कोकला वन है जहाँ के ये बंदर घूम रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे बंदर रहती है ये ना। हाँ, ये बहुत बंदर रहती है। इधर में कोकला वन है, इधर में पांडव गंगा है। पांडव गंगा, पांडव गंगा चलते हैं पहले, उसके बाद बिहारी जी में चलेंगे, शनिदेव के मंदिर। कदम है, चंदन है, बहुत वृक्ष है देखने लायक। हम आ गए पांडव गंगा आश्रम में। हाँ, ये लिखा है पांडव गंगा आश्रम। और गांव के रास्ते वगैरह बहुत ही क्लास है भाई। लाइव आके देखना कभी आप उत्तर प्रदेश आते हो तो, लाइव जब देखोगे आके आपको गांव का जो फीलिंग है ना बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो यहाँ की हिस्ट्री अपन पूछेंगे अंदर जाके। पांडव कुटिया है, पांडव कुटिया भजन करने के लिए। हाँ, ये पांडवों ने यहाँ कुटिया। अच्छा, पहले दर्शन करते हैं। हाँ, चलो आओ, कोई नहीं। और ये क्या अंकल? ये तालाब है। तालाब है, ओके। हाँ, पांडवों का तालाब है, कमल खिला हुआ है। ओके, इधर निकलो। कुटिया है। अच्छा, ये इस तरीके का मकान पहले पांडवों की। हाँ, छोटे छोटे दरवाजों का मकान था। ओके, ये कुटिया थी छोटी वाली, इसी की में वो रहते थे, सुरंग देते थे। हाँ हाँ, और इसी में आकर के वो छुप जाते थे और भजन करते थे। और उन्होंने फिर ये तालाब बनाया। हाँ हाँ, इसमें स्नान ध्यान करते थे, इसमें ये कमल खिलता था। ओके, उतने समय पीछे कुछ उजड़ भी गया, कुछ दोबारा से महात्मा जी ने लगवा दिया, लगवा दिया और इसको फिर से नया जागृत किया है। और हमारे महात्मा जी उधर हैं। ओके ओके, उन्होंने फिर से इनके पौधे की और डेवलपमेंट है। हाँ, दोबारा से देखी है, इसके दर्शन कराते हैं। बहुत सुंदर है, समय का पांडव गंगा है ये, ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, ऐतिहासिक जगह। और अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हो, उत्तर प्रदेश में ब्रिज गांव है ना, ब्रिज गांव में आप आओगे तो आपको ये देखने मिलेगा, बथेन कला ब्रिज। ओके, ब्रिज गांव है, ब्रिज में। हाँ, यहाँ पे पूरा तरह तरह के ये देख रहे हो, पेड़ वेड़ लगाए हैं, मेडिसिन भी लगाए हैं, झाड़ मेडिसिन पेड़ भी है, देख रहे हैं। गाइस ये देखो मोर कितने आजादी से घूम रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तितर भी है, मोर भी है। अरे बाप रे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंछी बहुत है, मतलब पूरी आजादी है यहाँ पे, कमल पूरा आजादी है, है ना अंकल जी। लोगों को, जानवरों को, पशु को, पशु मतलब हर सबको आजाद है, ऐसा किसी को डर नहीं है इधर आने का, डर नहीं। आप भी कोशिश करना यहाँ पे विजिट करने। देखो, ये देखो कमल के ऊपर ऐसे मोती जैसा पानी पानी। यस, हाँ, ये जो है कमल के पत्ते के ऊपर ऐसे पानी, क्या बात है। ऐसा देख रहे, यहाँ परदेशी लोग आए हुए हैं, परदेशी वहाँ भी हैं बैठे हुए। हाँ, ये देखिए सब आप देख रहे हो, बहुत सुंदर। हाँ, सुनो सुनो इसकी खुशबू क्या है। आहा भाई क्या खुशबू है, महाराज जी बताएंगे कौन सा फूल है, क्या खुशबू है। महाराज जी अगर आप आओगे यहाँ पे तो ये फ्लावर की खुशबू जरूर देखना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है और खुशबू लो जाके। तो ये फ्लावर के बारे में पूछेंगे अपन, कौन सा है महाराज जी बताओ इनको। महाराज जी वो फ्लावर कौन सा है, उसकी खुशबू बहुत ही बहुत सही, बहुत सही, ऐसा लग रहा मैं और जाके चार पांच बार खुशबू लू। कौरव पांडव। अच्छा, तो वहाँ रुद्राक्ष लगा हुआ है। ओके, और यहाँ चंदन है, इसकी पत्ती तोड़िए, तोड़ लो हल्का सा मरोड़ दी, ऐसे 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 हंसूंगा भाई। बताइए क्या है भाई, क्या कुछ उनको क्या है ये जो झाड़ भाई, पहली बार मतलब पेड़ है, पहली बार दिख रहा है, इसका खुशबू मतलब ये कैसे आ रहा है समझ भी नहीं आ रहा है। तो भाई बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। ये लो जी ये वाला। हाँ, ये सुनो
जो हम बता रहे थे। एक पत्ती इसकी तोड़ी है भाई, क्या चीज है? गुरु जी जो बताएंगे वो सही बता रहे भाई, क्या चीज है ये? यही पत्ती खुशबू, अल्टीमेट खुशबू है। तो अगर आप ये पेड़ के नाम या कुछ जानना चाहते हो यहाँ पे आ जाना, आपको बता देंगे अंकल। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से ग्रीट और बहुत अच्छे से यार उन्होंने गाइड किया, बताया हर एक चीज, और ये समय जो उन्होंने इनकी जिंदगी का अपने को दिया है बहुत बड़ी बात है। चलो मिलते हैं। मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ महाराष्ट्र से पंजाब इधर उधर, बट अपने को ये जगह देखने मिली, इसीलिए घूमने के लिए बाहर निकलो तब पता चलता है। ये सब पौधे लगा के रखे हैं। हाँ, वो अकेले रहते हैं फिर यहाँ पे? अकेले रहते हैं। पूजा करने का स्थान, ओके, ये पूजा करने का स्थान नजदीक यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा मंदिर है। पूरा क्रेडिट अंकल को जाता, अंकल ने अपने लिए मेहनत की है। अगर अंकल नहीं होते अपने साथ तो फिर अपन तो कभी आ नहीं पाए रहते। अंकल ने मेरे को इतने दूर ले क्या है। ये पांडव गंगा का स्थान है, पांडव गंगा, राइट। अब बिहारी जी के मंदिर चलते हैं। हाँ। आपको दर्शन कराएंगे। अभी और एक स्पॉट है बिहार, क्या है? बिहारी जी शनिदेव का मंदिर। अच्छा, शनिदेव गोखला वन बिहारी जी महाराज। ओके, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। पब्लिक चलती है, परिक्रमा बार बार से होती है। हाँ हाँ, ये अंदर अंदर का दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। चलेगा चलेगा। हाँ, बाहर का परिक्रमा नहीं, नहीं अंदर अंदर, ये गर्म हो जाता है, कंकड़ी चुभता है। हाँ, इसलिए बिछाए हुए हैं, पूरी परिक्रमा में बिछे हुए हैं ये। अच्छा, ऐसा बिछा हुआ है। हाँ, सब जगह पूरी परिक्रमा में चल रहा हूँ। ये नवग्रह का मंदिर है। ओके, नवग्रह है इसमें। ये पनखंडी महाराज का मंदिर है। ओके, इधर बनखंडी देवता है। ये गौशाला है, इधर अंदर देखो गौशाला है। ये गौशाला है, पूरा तेल निकालना पड़ता है। वही तो। यहाँ से दिल्ली 112 किलोमीटर गांव को बरसाने के लिए वहाँ तक जाती है। ये पर्यटन वाहन खड़े हुए हैं दर्शनीयों के। हाँ।